Sanju Kumar, our chairman, Manish Pandey, Media India. May I request all of you. Sir, the mehmano ne manch par aamantrit karva maangu chu ane temna maate jordar taaliyo no gadgadaat thai jaye. Two days ago. Actually, the event was
Thank you so much, sir. Thank you. Yes, yes. गुजरात ने क्या थी क्या जता जोयुं छे तो एनी एक हुं सफर करवा मांगीश तमने बे शब्दों मां के नर्मदे सींचे अने मेघाणीए पाये नर्स शांति 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 थैंक यू सो मच मेरी जान रहे चेयरमैन सीओजीएफ ग्रुप मोसंबी मिस्टर कुमार पाल डायरेक्टर विश्वास से बनता है विश्वास विश्वास से बनते हैं रिश्ते और रिश्तों से बनता है कोई हाँ और भी तो बहुत सही है कि रिश्ते बनाना उतना ही आसान है Ladies and gentlemen, here comes a special laser show to describe one and one Manish Media. मजदूर तालियों के साथ हम सम्मानित मंच का इस्तकबाल करते हैं अभिनंदन करते हैं और अब शब्दों के जरिए
चेयरमैन सर मिस्टर चांदो जी हम मोजाम्बिक में भाई रिजवान भाई विनोद पटेल साहब कुमार पाल साहब रामा फैमिली पटेल साहब मनु श्या साहब जितनों को मैं नाम याद करूं श्या साहब श्रीकांत भाई कैलिफोर्निया से इतने परिवार पला रहे हैं मुझे 100 का नाम लेना तो संभव नहीं लेकिन सभी का मैं हृदय के अंतर से हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं कि आज जिन्होंने 9th वाइब्रेंट परिवार का निमंत्रण स्वीकार कर पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई जैसा कि वेलकम सर Ladies and gentlemen, huge applause for this great man. These modern youth are some of the world's most gifted, willing, and driven youths. Sir. Follow. And whatever standards he sets by his exemplary acts, all the world pursues. For example, Warren Buffett has spoken about his sub-investment managers are taking a leaf from his idea role in role modeling and setting standards for common men to follow. So out there is very big. Maybe our viewpoints, but let's say, but diversity. Let us... In 1970, at the time of independence from the great, their hard-working nature enabled them to move into the business. We रह गई शायद तालियों की कुछ कमी रह गई. बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया. So, ये highlight के लिए आपने जो बताने, जरा जी ख्याल आवे कि आपने क्या छह वर्ष तक से आपने बताने हार्दिक स्वागत करो जो जय स्वामी नारायण. आमंत्रित करवा मांगू छू डॉक्टर विमल बी शाह. Thank you, Dr. Vimal B. Shah. Here from Kenya. For these wonderful words. आपने सही कहा सर हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे गुजराती परों से नहीं हौसलों से उड़ा कर और ऐसे ही है हमारे आज के एक और विशिष्ट अतिथि जो भी बुलंदियों पर पहुंचे हैं लेकिन किस्मत से आज यहां नहीं पहुंच पाए I am referring to the hope तालियों की शक्ल में बदलने के फूलों ने अमृत का जाम भेजा है तारों ने गगन से सलाम भेजा है ये शाम मुबारक हो आप सभी को आज तो भगवान ने भी अपना प्यार भेजा है और मनीष मीडिया के तीन डायरेक्टर्स मनीष अभिषेक और सिद्धार्थ के ये तीन शब्दों के साथ मैं आज का इस शाम का ये खास प्रस्तुति आपके सामने पेश करता हूं हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं हम आज भी हैं लेट्स ब्लास्ट द म्यूजिक आमंत्रित करवा मांगू छू मिस्टर मनहर मनुषा फ्रॉम यूएसए
Sir on the dais, Rizwan sir, we are waiting for you. Chairman COG, group founder and chairman Rizwan Aditya Foundation, Mozambique. May I request you to deliver us something very fascinating, sir. Thank you. Itni mehnat karke aaj takriban 30 कंट्रीज में से गुजरातियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। मेरा नाम रिजवान आदित्य है, मैं ओरिजिनल पोरबंदर गुजरात, जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। मेरे बचपन के 17 साल महात्मा गांधी जी के घर के साये में गुजरा था और लास्ट 32 साल से मैं अफ्रीका में रह रहा हूं, लेकिन मेरा दिल आज भी हिंदुस्तान में है। जब मैं छोटा था तब मैंने रिलीजियस बुक्स में पढ़ा था कि जो सुबह का जो टाइम है, जिनको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो बहुत ब्लेसिंग और आशीर्वाद से भरा है। और 13-14 साल की उम्र में मैंने ये पढ़ के सुबह 3 बजे उठना शुरू किया और मेडिटेशन, प्रेयर्स, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, विजुलाइजेशन, योगा और ड्रीम बिग करके 3 से 7-4 घंटा रोज अपने आप को देता हूं और यह डिसिप्लिन लास्ट 35 साल से जारी है। कहावत है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। और यही लाइन को ध्यान में रखते हुए हमने 2015 में मानवता की सेवा करने और दुनिया में से गरीबी कम करने के लिए रिजवान आदित्य फाउंडेशन की हमने स्थापना की, जिसका वीडियो भी आपने देखा। हमारा मेन फोकस है एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, सीनियर सिटीजन, ह्यूमन बिहेवियर लाइक इंक्लूडिंग पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मेडिटेशन, क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन एंड मच मोर। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जिनके पास बेसिक नीड नहीं है वो तो परेशान है, हम समझते हैं, लेकिन जिनके पास है ज्यादा है वो लोग भी इतना ही परेशान है। और हमारा फाउंडेशन लास्ट 4 साल से अफ्रीका और एशिया में काम कर रहा है और 4 साल में 7 कंट्रीज के अंदर तकरीबन हम लोग 6 लाख लोगों तक पहुंचे हैं। थैंक यू। हमारा टारगेट है पूरे इंडिया कवर करना और दुनिया की दूसरी कंट्रीज में भी आगे बढ़ना। और 4 साल में हमें 24 अवार्ड मिला है और 3 बार मुझे पर्सनली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का अवसर मिला था। अभी यार माहौल अच्छा है, सब हम गुजराती एक फैमिली की तरह होते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 21 जनवरी को हिज एक्सेलेंसी वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी से मेरा सम्मान होने वाला है दिल्ली में। ज्यादा डिटेल के लिए हमारा फाउंडेशन का बूथ बार लगा हुआ है, आप वहां से मोर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम अवेलेबल है वहां आपकी कोई भी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन मैं एक ही चीज बताऊंगा कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारी सोसाइटी के लिए या हमारे देश के लिए या पूरी दुनिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या हम इनफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या हमारी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या हम सही तरह उनको सीरियसली समझ रहे हैं, या हम सेटिस्फेक्शन के साथ क्या हमारा जीवन बिता रहे हैं।
देखो धनवान वो नहीं होता जिनकी तिजोरी नोटों से भरी है, धनवान वो होता है जिनकी तिजोरी रिश्तों से भरी है। और आज पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड एक फैमिली की तरह है और हम इंडियन इनको समझते हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर स्पिरिचुअल पावर की ब्लेसिंग है जिनको हम डेवलप करके हम दुनिया की सेवा कर सकते हैं। और मैं अभी सुबह में जब आ रहा था तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा आदित्य बिरला जी के, उसमें था कोर्ट में कि व्हाट आर यू वर्किंग फॉर इन लाइफ। ये बहुत पावरफुल सवाल है क्योंकि ये सवाल का जवाब हम सबको सोचना चाहिए और देखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारा नहीं है, हर एक गुजरातियों का है। हमारे साथ आप जुड़ सकते हो ह्यूमैनिटेरियन की सेवा के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए। हम हमेशा रेडी रहते हैं और सबके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। और हमारा फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव है कि जिनके पास नहीं है उनको होप करेज एंड स्पार्क देना, और जिनके पास है ज्यादा है उनको इंस्पायर करना पर्पस मीनिंग एंड शेयरिंग के लिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लास्ट एक शायरी बोल के मैं मेरी स्पीच को खत्म करूंगा कि फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो, फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। किस्मत से मिली है जिंदगी, खुद भी हंसो और दूसरे को भी हंसाते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Dream.
sweaters and ties in winter and cotton handkerchief hair. Abad, who is a social leader, Abad, who is a philanthropist, still finds his root in the form formation and is made and slave for him. Jayanti Lanchan Bhai Patel. A man on the way to educate, he still finds his roots in the form foundation that his parents laid for him. Taking forward the causes of the society, he reminds of unity. The man, without giving up, rendering education and encouragement, cultures. Today is a well-respected businessman in Kenya who loves creating life for others. His father sold peanuts and his family's tried to improve their lives. When kids played, he read religious books. He thought he would help his family with quality education, but work in class 10. He didn't stop moving to Africa with his brother, dreamed to improve the lives of others. He today is a passionate philanthropist, formidable spirit. सबसे पहले तो मैं मनीष मीडिया को मैं अभिनंदन दूंगा कि आज लगभग 30 कंट्रीज से गुजरातियों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया. बहुत फ्रेंड्स नए बने, बहुत लोगों मिला. दोपहर को लंच भी हमने साथ में किया. बहुत खुशी हो रही है, अच्छे अच्छे लोग मिले और साथ में मिल के आज ये अवार्ड का जो प्रोग्राम हुआ और ये मेरा जो 25वां अवार्ड है. और अवार्ड से मोटिवेशन मिलता है, एक तरह का एक जोश और जज्बा बढ़ता है हमारा. और बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि और ज़्यादा काम हम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे ताकि हमें लोग पहचाने और हमारा काम भी आगे बढ़े. ये लगभग कितने लोगों को सम्मानित किया गया जो गुजरात के रहवासी हैं, विदेश में जाकर अपना कारोबार चलाते हैं? मुझे लगता है तकरीबन 30 के आसपास लोगों को सम्मानित किया है जो गुजरात के है और बहुत सालों से अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं और इंक्लूडिंग पाकिस्तान का भी देखा. बहुत खुशी हुई सुन के. देखो यही यूनिटी है, यही हमारी भारत की परंपरा है कि हम दुश्मन को भी दोस्त गिनते. हालांकि दुश्मन तो है ही नहीं हमारे, बट बहुत खुशी हुई ऐसी अलग अलग कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में से सब लोग आए हैं. सब लोग से मिल के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा. इक्कीस तारीख को एक दिल्ली में इवेंट है जहां माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी और अपना आरएसएस के जो चीफ है अपना मोहन भागवत जी सब लोग उधर है. वहां हमारा सम्मान होने वाला है. हमारा फाउंडेशन का सम्मान होने वाला है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं इसको लीडर्स नोट करते हैं और हमें सम्मानित करते हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बन रहा है. वो मेरे लाइफ का बड़ी अचीवमेंट होगी कि अपने हिज एक्सलेंसी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरा सम्मान कर रहा है. तो बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ उनके लिए. 21 जनवरी, जस्ट 3 डेज आफ्टर. और 2018 में हमने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. एक साल के अंदर एशिया और अफ्रीका मिला के 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की लाइफ को हमने टच किया है. और 2019 में हमारा टारगेट है 2 लाख से भी ज़्यादा करेंगे. 2018 में हमें बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, डोनर्स भी बहुत हमने सपोर्ट किया, पार्टनर्स भी मिले.
तो जैसे जैसे हमें पार्टनर्स डोनर्स का सपोर्ट मिलता जाएगा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। हमारी जो डायनामिक टीम है जो डे एंड नाइट काम कर रही है और मैं भी उन लोगों के साथ जुड़ के हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करें। हालांकि आप गुजरात के हैं, आज हम अहमदाबाद में हैं, लेकिन मुंबई में संस्था बहुत तेजी से काम कर रही है, तो मुंबई वासियों के लिए क्या संदेश चाहेंगे? देखो हम गुजराती है बट हम इंडियन है तो हम तो पूरा इंडिया का सोचेंगे। मुंबई में भी काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, बिहार और झारखंड में भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं खाली मुंबई को नहीं पूरे इंडिया के जो लोग हैं उन सबको बोलूँगा, सच्चा सुख चाहिए, रियल हैप्पीनेस चाहिए तो लोगों की सेवा में ही, मानवता की सेवा में ही, क्योंकि मानव धर्म वही सबसे उत्तम धर्म है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हर एक इंसान को तन मन और धन से लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों की सेवा में ही हमारे जीवन में खुशी है, बाकी जो सुख मिलेगा वो क्षणिक रहेगा, इससे ज़्यादा लंबा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा हमारे फाउंडेशन के साथ जोड़ो, आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेस है तो हमारे साथ मिल के काम करो, हम मिल के अपना देश को बदलते हैं। रिजवान जी से जुड़ी एक सबसे अहम बात ये है कि फाउंडेशन समाज सेवा के साथ साथ इन दिनों स्कूल कॉलेज के बच्चों को मोटिवेशन करते हैं, सिखाते हैं, तो 2019 में युवा जो भटके हुए हैं उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? यस, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मेरा मेन टारगेट है हमारे देश के यूथ, युवाओं, क्योंकि हमारे देश के भविष्य वही है, हमारे भविष्य का लीडर्स भी यूथ ही है। और 1 जनवरी से मैंने शुरू कर दिया है, अभी तक मैं 8 स्कूल में मेरे लेक्चर्स थे जनवरी के अंदर और तकरीबन 15,000 बच्चों को मैंने मोटिवेट किया है। बट ये साल में मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग गांवों में मैं स्कूल्स में विजिट करूंगा, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, उन लोगों की जो लाइफ की चैलेंजेस है उनको मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वही बच्चों को मोटिवेट करता है। तो आई वुड लव टू विजिट मोर एंड मोर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मंच पे आपको अवार्ड मिला, हम भी देख रहे थे, सबसे खुशी की बात आपने भी लोगों को अवार्ड देके सम्मानित किया इस मंच पे, क्या कहना चाहिए? ये वो जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर की बहुत काइंडनेस है, बड़पन है कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं दूसरे जो डिग्निटरी से उनका सम्मान करूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और मोटिवेशन था मेरे लिए कि अच्छे 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 बड़े लोगों का मेरे हाथ से सम्मानित हुए और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू।